सो सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना एक नंबर सोचती है और उसे उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, घटाती है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। जो भी घटाने पर जो भी उसे प्राप्त होता है उससे 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इन इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। इसके बाद 8 से गुणा करने पे जो रिजल्ट आता है वो जो नंबर उसने सोचा था उस नंबर का 3 गुना उसे प्राप्त होता है। तो वॉट इज दैट नंबर? तो हमें पता नहीं है कि अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, तो हम मान लेते हैं कि अमीना ने एक्स नंबर सोचा था। तो लेट अमीना थिंक अ नंबर एक्स, ठीक है। माना अमीना एक नंबर एक्स सोचती है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1, अकॉर्डिंग एज पर दी क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है? इस एक्स से ये 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, x-5/2, क्लियर। क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, जो नंबर उसने सोचा अमीना ने, उस नंबर से उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, घटाती है, ठीक है। मैंने घटा दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है, दिस द रिजल्ट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, वो उससे 8 से मल्टीप्लाई करती है। मैंने ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया। द रिजल्ट, अब रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद में? नाउ ऑब्टेन 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो उस नंबर उसने सोचा था उसका 3 गुना उसे मिला। 3 गुना मतलब जो नंबर उसने क्या सोचा था, एक्स, और एक्स का 3 गुना, 3 गुना एक्स, समझ में आया आपको? बहुत ही बिल्कुल क्लियरली इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले उसने नंबर क्या सोचा, एक्स, उसमें से उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को उसने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसे क्या रिजल्ट मिला सब्ट्रैक्ट करने के बाद में? रिजल्ट मीन्स इक्वल टू 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 times यानी कि 3 गुना उसे ऑब्टेंड तक प्राप्त हुआ। तो 3 × x, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा और 5/2 में भी होगा। तो 8 × x-8 × 5/2 इज इक्वल टू 3x, समझ में आपको? मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया और 8 का मल्टीप्लाई किया एक्स से और 8 का मल्टीप्लाई किया 5/2 से। 8 × x इज इक्वल टू 8x-, यहाँ पर 5/2 है, सॉरी, 2 से अगर हम 8 को कैंसिल करते हैं तो आता है 4, एंड 4 × 5 = 20 इज इक्वल टू 3x, समझ में आया आपको? 8x, इस 8x 3x को जैसे ही हम इस साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे, 3x किसका है, प्लस का है, तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का 3x, समझ में आया? मैंने आपको रूल क्या बताया था, प्लस चेंज टू माइनस, माइनस प्लस में, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई में, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड में। ये आपको हमेशा फॉलो करना है, आपके आंसर कभी भी गलत नहीं होंगे। एंड इक्वल टू, अब ये -20 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे
इक्वल के राइट हैंड साइड में, तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का 20, रूल नंबर 2 ये मैंने यूज़ किया है, माइनस का क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब 8x में से 3x आप माइनस करोगे तो आएगा 5x इज इक्वल टू 20, समझ में आया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 5, क्योंकि 5 और x का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 को अगर 20 में कैंसिल करोगे तो आएगा 4, एंड x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, देन आंसर में हम क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर इज 4, इतना आपको लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर यहीं से आपको स्टार्ट करना है, द नंबर इज 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।